चक्कर में आई थी, जिसम के चक्कर में आई है, वो जो चीज है वो है असली हम। हम निकल से आए हुए तो जब वो आकर के दुखी हो जाती है संसार में, तब उसको समझाने वाला कोई ऐसा पुरुष आ जाता है जो वहां कहने वाला होता है। वो उसको कहता है, भाई ये तो तेरा घर नहीं है बेवकूफ नीचन, मुझे हिरा कर देता था, ये तो नहीं तेरा देश देश है बनाना, यहाँ सब बिगाने बसे कोई नहीं जगाना, ऐसे ऐसे छत मुझे दाता हिरा कर दिया। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आता था, अब वो समझ में आने लगा आप लोगों की दया। तो हम वहां से आए, खबरी कब से हम चले हुए हैं, खबरी कब से हम चले हुए हैं। आप लोग मेरे पास आते हैं कोई दुनिया के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई मुकदमे के लिए, कोई किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, कोई क्या करे। तो ये एविडेंस जिसके भाग में होता है वो जाता है। समझ के मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको, आगे पढ़ो। बिन बादरे बरे खे खंड धारे, बिन बिजरे चमके ते अपार। ये वो अवस्था है हमारे सन की जो रुचि है वो है सुमित चांद सतारे जो है। मैंने आपको साबित कर दिया कि सब काल और माया के चक्कर में है। आगे ससे भानु बिना जहाँ होए प्रकाश, गुर शब्द तहाँ कियो निवास। वहाँ जब होता है उसके पहले वहाँ गुरु का शब्द निवास करता है। वो गुरु का शब्द कौन है, वो है तुम्हारा नाम। नित गुरु का शब्द रहा है स्वामी, तुम्हारा अपना ही खेल है था वहाँ, कोई बाहर का दूसरा चीज नहीं है। तुम्हारे अपने धर्म की जो सुपर कॉन्शियसनेस की जो चेतनता की आनंद और खुशी है वो है निज नाम। मैं कभी किसी को नहीं कहता तू राम राम जब राम राम से इकट्ठा कर ले, भी मन राजा स्वामी से इकट्ठा कर ले भाई, अल्लाह से कर ले भाई, मन को इकट्ठा करना है ना, जहां तुम्हारा विश्वास है उस नाम से इकट्ठा कर लो। नाम तो जहां रहता है नहीं, स्वामी जी साहब जी का नाम रहे कहते पदमाई ये सुनगे तेरे लोग की मानी। तो जो कुछ भी हम इस मन के साथ या इस शरीर में रह के रक्तों का नाम जपते हैं, कोई राजा स्वामी जपता है, कोई राम राम को ओम, कोई सोहम, कोई अल्लाह, कोई विष्णु को कुछ, ये सब वर्णात्मक नाम है, नहीं समझ में आती है। इन नामों से सिर्फ ये है कि तुम्हारे विश्वास के साथ तुम्हारा मन कच्चा हो जाएगा, इन नामों से तुम्हारा मन कच्चा हो जाएगा, नहीं समझ में आती है। तो ये नाम जो है, ये सिमरन जो है, ये ध्यान जो है, सिमरन तुम्हारे जिस्म की अशांति को दूर करता है, ध्यान तुम्हारे मन की फुरनाओं को कंट्रोल करता है, प्रकाश तुम्हारी आत्मा को सुख देता है, और शब्द तुम्हारी सुख को सुख देता है। तो मेरी बात को मैंने क्या कहा, मैं ये मैं क्यों कहता हूं, मैंने अजमाई हुई है। जब कभी शरीर में बहुत तकलीफ होती है, मैं इतना बोलता हूं 15 मिनट 20 मिनट, जब मैं सिमरन करता हूं तो शब्द नहीं सुन सकता। जब जिस्म की बेचैनी मेरी होती है, मैं अपना जो बयान करता हूं, तो मैं अगर शब्द सुनने की कोशिश करूं तो जिस्म की बेचैनी दूर नहीं हो सकती। मैं वो राज खोले जा रहा हूं जो आज दिन तक किसी ने खोले नहीं। जब जिस्म की बेचैनी हो तो सिमरन पर जोर दिया करो। सिमरन पर जोर देने के मैंने ये है कि इस मुकाम पर, जहां किस मुकाम पर सिमरन करती हो, ऐसा मन के साथ उस नाम का उच्चारण करो जिस तरह सुआ सुए को हम नमदे में फूंक देते हैं, जिस तरह सूर्य को हम नमदे में खोप देते हैं ना, इस तरह से जो सब अडप्पा जाप यहां करता है उसकी जो जिस्मानी तकलीफ है वो कम हो जाती है। मेरी अजमाई हुई बात,
एक दफा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह मेरे पास आया, सिविल सर्जन था, वो अशांत था। उसकी औरत भी साथ थी, मां से मोह लाया जो कान में। अब मैंने उनको सोचा भी अगर इसको मैं राजा समझ नाम ले रहा हूं दूंगा तो ये मैं समझेगा। मैंने उसको बोला यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 100 तक जहां गया करो, ठोकर मारा करो। और फिर वापसी पर फिर एक दो नहीं शुरू करने, फिर 99, 98, 97, 96, 95, 93। तो जब वो 99, 98, 97, 96 करेगा उसका मन खुलेगा कि नहीं खुलेगा? यूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी तरफ है, जितना मर्जी कर रहे हो। तो कई आदमी हाथों में राम 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 करते रहते हैं, कोई कुछ करता रहता है, चलते फिरते। वो कहते हैं सुमरण करते हैं, अरे सुबह का सुमरण करते हैं, वो सुमरण नहीं है। उससे तुम्हारा मन में एकाग्रता नहीं आएगी। जिस तरह से 99 से 98 से 97 नीचे आने में तुमको होश से चेतन होकर करना पड़ता है ना, इसका सिमरन चेतन होकर करना चाहिए। अगर चेतन होकर तुम सिमरन करो, 15 मिनट का सिमरन तुम्हारे दिमाग को साफ कर देगा, शांति दे देगा। नहीं समझ में आती आपके? ऐसे ही ध्यान है। ध्यान तो कई ये भी करते हैं, ब्यास में बाबा सावर सिंह बैठा हुआ है, वहां इतने मकान है, इतने अंग्रेज बैठे हुए हैं, इतने ये बैठे हुए हैं, मानता मंदिर में बाबा वकील बैठा हुआ है। ये जो ध्यान है इससे भी इतना फायदा नहीं। ध्यान में गुरु की आंख और मस्तक को देखा करो, या राम की आंख और मस्तक को देखा करो, जो तुम्हारा इष्ट है उसको। तो उस आंखों को देखने से क्या होगा? तुम्हारा मन ठहर जाएगा। जो मैं नुक्ते बता रहा हूं तुम लोगों को अभ्यास के और साधन के, ये मंदिर बिल्कुल आसान है अगर कोई गुरु मिल जाए। तुमने गुरु को मैंने कुछ नहीं समझा होगा, देखो बाबा वकील आ गया, क्या जी प्यारी पिला दो, 200 रुपया दे दो, कपड़े बना दो, तुमने गुरु कारण कर दिया। ये नहीं, ये संसार का व्यवहार है। आगे चलो तुम्हारी हस्ती है, मगर उस चूंकि वो फैली नहीं है, नीचे नहीं आई, अपने आप में कायम है। इस वास्ते है तो वो मौजूद, मगर उसकी ना फूल है ना पत्ते है ना टहनी। फूल पत्ते टहनी क्या है? हमारी स्थल से जो तारे फूटती हैं, जो वासनाएं फूटती हैं, जो ख्याल निकलते हैं, इनका ना होना ही पड़ोस गुरु को मेरे छे कहता पैसा पत्र छाए धूप। समझ गया मैं, वो वृक्ष कैसा है? वो वृक्ष क्यों जब नीचे आते हो कहीं तुम्हारे मन से खराब निकलते हैं, वो निकलते हैं, विचार निकल जाते हैं, ये निकल जाते हैं, वो निकल जाती है, तो उनकी शानी हो जाती है प्रशांत। मगर जब तुम अपने घर जाए, अपने घर का पता बता रहा है ना कबीर, तो घर का पता, उसका ये मतलब है तुम्हारा घर कहाँ है। तुम रहते हो, तुम्हारा मौजूद हो तुम, मगर तुम्हारे सामने उसके वृक्ष पास मौजूद, तुम्हारे अंदर से कोई और संकल्प, कोई विकल्प, कोई ख्याल, कोई भाव, कोई विचार ये नहीं होते। ये है इसका मतलब। आगे भंगड़ा तुम्हारी जो सोच है वो आप फूल नहीं होते, मगर वो अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस में आप मस्त रहता है। ये है इसका भाव। संत की वाणी को सिर्फ संत समझ सकता है। आजकल जितने सत्संग लोग कराते हैं, लड़कों को दुराते हैं ना, वहां फूल होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। आगे
ऊंचे नीचे नहीं जाते पाते रे गाने न व्यापे सदा ही शांति। ये हमारा जो अपना रूप है उसमें शांति, हम खुद शांत रूप शुद्ध शुद्ध रूप है, शांत रूप। तो हमारे घर का पता क्या है, कभी को पता होगा वो क्या पता देता है। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाऊंगा, जो करके पते का मुझे पर्चा मिला मैं वो बताता रहा। इस बात का दावा नहीं करता कि जो मैं कहता हूं यही ठीक है, ना मैं इस बात की बातों को मंड करता हूं। मैं अजीवन सारा सजाई की खोज में जुड़ गया, मगर अफसोस है मैं अभी तक गिर जाता हूं। ये मेरे बस की बात नहीं, नथ खत्म किया आगे। हर खेतों नहीं राग देश नहीं जरा मरण नहीं बंद मोक्ष। जब तुम अकेले हो जाते हो वहां पर फिर हर शोक कैसा, माँ के जन्म का कैसा है, वो एक हमारी अवस्था है। हमारा सेल्फ भी एक स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस है, हमारे सेल्फ की एक कंडीशन ऑफ कंडीशनलेसनेस है, वो हमारा अपनी जात है। हमारी अपनी जात है, किसकी जात है, वो जो अनामी धाम से आई हुई छोड़ थी जिसको मैंने बोला वहां से चली हुई है और उसके ऊपर फॉल चढ़ते गए। पहले शब्द का फॉल चढ़ा, फिर प्रकाश का फॉल चढ़ा, फिर मन की खयात का फॉल चढ़ा, फिर जिस्म के का खयात चढ़ा। समझे मतलब अनुमय कोश, मनुमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अनंतमय कोश बने, फिर संसार कवल त्रिकुटी सुन महासुन कवल गुरुआ, ये भी हॉल ही है, ये भी उसके ऊपर खड़ा भी है। हमारा जो डिजाइन सबसे परे है आगे। अखंड पुरे के नगर नाम जहाँ बसे साधे जने सहज धाम। ये वो कहते हैं वो अखंड पुरी है, अखंड कहते हैं जो टूटने वाली नहीं। तो मैं आपको कहा करते हूँ तो वहां का जो नाम है वो टूटता नहीं। मैंने वो सुना, शायद कोई और नाम हो मुझे पता नहीं, मैं दावा नहीं करता, कान को हाथ लगाता। मैंने नाम जब देखे तो उम्र गुजार दी, वो अखंड नाम है। अखंड नाम जानते हैं जो टूटता नहीं, यानी लय जो है उसमें लय नहीं होती। कंठे शंख में लय है, बम बम ओ में लय है, सरंगी रारंग सारंग में लय है, मुरली में लय है, बीन में लय है, मगर अगर लय नहीं है तो निज नाम में नहीं है। वो अनब्रेकेबल साउंड एक रस करता है, मेरी समझ में यह आया। आगे मेरे न जीवे आवे न जाए जाने कबे कहते हैं वहां कुछ कब हो जाता है, जिसको गुरु को मिल जाता है तब हो जाता है। तो गुरु नाम किसका है, समझ ज्ञान का और विवेक का। मैंने आज कोई कसर आपको समझाने में छोड़ी नहीं। आपको मने रहेंगे मने ये जो मन है हमारा, ये तीन लोग में कुमार जाना खेलता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। आगे काहू को पाताल पछावा, काहू को आकाश, काहू को वैकुंठ देता है फिर मित लोक की आस। मन रंगी खेले धमार तीन लोक में सार।
सुर नर मुनि सब ही को चलिया काम क्रोध के संग अंतर और कहे कछु और करते सवन मन भंग। ये हमारी मन की हालत है, कभी ये मन जो सूर्य के पीछे होती है उसको नीचे ले जाता है, कभी ऊपर ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, इस चक्कर में आगे आगे निसबासर ममता उपजावत बाजी देत भुलाई चारा से पिचकारी मारत जन्म जन्म भरमाई। ये मन जो है वो कहते हैं ये हमको काबू रखता है, चौरासी दिन कभी यहीं कभी वहीं कभी वहीं कभी वहीं कभी वहीं हमको चक्कर में रखता है, पार नहीं जाते। आगे हट दर्शन पाखंड छान वे धर्म पड़ो संसार। अब तुम सोचो क्या कहता है तुमने भाई खट दर्शन हट दर्शन पाखंड छान वे धर्म पड़ो संसार वेद पुराण सवे मिल गावत कर्म लगाए लाल। वो कहते हैं जितने शास्त्र हैं वेद शास्त्र हैं जो हमको मन के चक्कर से बाहर निकलने नहीं देते, ये सब पखंड का जाल है। आगे ज्ञानी गुणी चतर कवि मान है माया सरीदार। ज्ञानी भी माया के ऋषि में, क्योंकि ज्ञान मन से होता है, ज्ञानी भी मन से ज्ञान से होता है। तो मैं सोचा करता था हे भगवान मैं तुझे मिलने निकला था, उसे तुमने कहाँ फंसा दिया, ब्राह्मण हूँ अगर पुराण संस्कार जाता नहीं था कहाँ। उस वक्त मैंने पढ़ किया था इस रात को सत्य होकर चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा बता दूंगा। दादादार ने शायद मेरे कर्म को काटने के लिए जो मुझे काम दिया हो मुझे पता नहीं। आए पछा पथी खेलत सब को दारे पकड़ पछा, सब खेलते हैं कर्म वाले, कर्म वाले जो कुछ है सब खेलते खेल रहे हैं और इसी में सबको चक्कर में आया हुआ। आंधर कर राखे सब हनि को काल कुटल जो छल बल मारे नेक नवा को की। ये कहते हैं ये मन जो है सब को चक्कर में डाले हुए। आगे खेल न जाने खेल निस दिन सद बद गई हेराए। वो कहते खेल जानता है खेल का है, अब मैं सोचू वो खेल क्या है, वो ये है ये जानते हुए कि ये माया है खेलो उसमें फंसो नहीं। जो काम हम अपनी गर्ज के लिए करते हैं अपने मतलब के लिए करते हैं उनका संस्कार दिमाग पर रहेगा, जहां हमारा राष्ट्रीय गर्ज नहीं है जब तो जिंदगी खेले तो पड़ेगा ही। कर्म स्थल है इसमें तुम जिंदगी में रह करके बच कर दे सकते हो मुझे बता दो सही। यूनान साहब कर्म खंड की बारी जो और नहीं कुछ हो तो जब तक दुनिया है इसमें हम जाएंगे कहाँ। जो सृष्टि ऐसी है इस बार से गीता भी यही कहती है बुजुर्ग भी यही कहते हैं कर्म करते हुए अकर्मक रहो, अकर्मक जब तुम अपनी जात के लिए कर्म नहीं करोगे अपनी जाति मवाद के लिए फिर तुम पर कोई असर नहीं। आगे खेल न जाने खेल निस दिन सद बद गई हेराए ये भया के लंपट नर भांडो मानस जन्म गवाए। कभी सब कह रहे हैं कि खेल खेलते हैं काली पौधू है अपने जन्म को आकाश किया है। आइए नौरे नर प्राणी या को निशन करते नौरे कोई सा सब को घर मुसत पीन लोक को चोर।
कहते हैं प्राणी उसको उसको देख लो क्या है जो तुमको प्रेमाता रहता है, यानी मन के रूप को समझ। अब मैं अपने आत्मा से पूछता हूं, तू बता बीच तुम्हें मन के रूप को क्या समझा। मैं अपनी बाबत जानता कबीर ने कैसे समझा, वो कहते मन के रूप, मैं क्या समझता। जब प्रकाश रूपी आत्मा इस देह में आता है तो जिस साथ से जिस प्रकृति से जितनी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से हमारे जिस्म बना हुआ है, जब वो प्रकाश रूपी आत्मा इसमें आएगा, खून के ऐसे दावा करेगा, तो जिस जिस किस्म की हमारी प्रकृति है हम वैसे काम करने के लिए सोचने के लिए मजबूर हैं। बस अगर ये ज्ञान मिल जाए तो मैं कहूं तो वो ऊंचा जा सकता है। इस दुनिया में ऐसा हुआ इसके चक्कर में नहीं आएगा जिसने मन के रूप को समझ लिया। वो समझता मैं अब मैं हूं, लोग मुझे परम संत कहते हैं, कोई कहते खुदा है, कोई कुछ कहता है, मैं कहना मैं कौन है, मैं खुदा हूं। बाजे वक्त मेरे मन के अंदर मेरी जिस किस्म की प्रकृति के कोई नीच गया पड़ा हुआ तो अच्छा उस किस्म के संस्कार मेरे अंदर से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मुझको ये ज्ञान है कि ये मन का खेल है, उसका जो असर है वो मेरी सोच पर नहीं पड़ता। ये है मन को चीनने का फायदा। इसी बात से कहते हैं कामी तरे क्रोधी तरे पापी तरे अनंत। एक आदमी कितना भी बुरा है अगर उसको मन के रूप की समझ आ रही वो तर जाएगा, मगर करेगा कौन नहीं, आन उपासक तीर्थ घन करे ना नाम रखा। जो शुक्ला जो है और जो गाय को पूछता है, जो शख्स बकरी चंद को पूछता है, जो हुशियारपुर में रहता है वो आन उपासक है, राय को पूछता है, कितनी साइज में बात करता है। सतगुर सद सतगामी जाते संसार जाए, सतगुरु के शब्द जो मुंह से जो वचन कहता है उसकी बात को पकड़ो। फिर शब्द योग दो किस्म के हैं, मैं बोल रहा हूं मेरा शब्द है, तुम सुन रहे हो उसको ग्रहण कर रहे हो, ये सुर शब्द योग बार का है। तुम्हारे अंत में शब्द हो रहा है, तुम उसको सुन रहे हो, ये तुम्हारे अंत का सुर शब्द योग है। पहले पार का अगर सुर शब्द योग ठीक नहीं, तुम्हारे अंत का सुर शब्द योग कोई तुमको फायदा नहीं देगा, समझिए। इसी वजह से बार बार कहा जाता है पूरा गुरु पूरा गुरु पूरा गुरु पूरा गुरु, ग्रंथ साहब ने लिखा, स्वामी जी ने लिखा, सब जगह पूरा गुरु पूरा गुरु। तुमने पूरे गुरु को कोई कहता बाबा रूपीचंद पूरा गुरु है, कोई कहता बाबा सामान गुरु, सब है पूरे गुरु को मैंने पूरी समझ। जिसको जाग मिल जाए, जिसको ये समझ जो मैं दे रहा हूं ये शराब है, जिस महापुरुष से मिल जाए उसको उसकी सेवा करे, उसकी खिदमत करे, उसकी समझे मेरा मजा नहीं, अपनी किस घंटा के दूर की दूर करे। आगे आवागमन रहता तेरो कहे कबीर समझाए। सब खत्म हो गया, आओ मैं आपको आज तंग में बहुत कुछ कह दिया क्या बात, ये तो मैंने आज को आपको बस तुम आए हो दुनियादारी के हिसाब से, कहते तुम भी खाली ले जाओ। दो चार बातें बताता, तुमको मुझको जिसको जो कुछ भी मिला वो उसके अपनी वासना का फल मिला, अपने कर्म का फल मैंने, तुम्हारी अपनी जो इच्छाएं थी अपनी जो वासनाएं थी, तो जो कुछ तुम चाहते हो वैसी वासना करो दुनिया के लिए। दुनिया में पहला सत्संग तो मेरा था निवृत्ति मार्ग का, आप प्रवृत्ति मार्ग का सुन लो, जो भी तुम चाहते हो उस चीज की इच्छा रखो, उस चीज की इच्छा रखो अपने दिल के अंदर, तुम्हें ये चाहिए।
फिर कभी तुम साधन करोगे, तुम्हारी वो जो क्या है वो पूरी हो जाएगी। एक शब्द था, उसको मैंने नाम, मैंने कुछ को नाम देता नहीं, उसको मैंने कहा था मैं किया था, उसमें गुस्सा था, वो गुस्सा उसका बढ़ गया। उसने छुट्टी रही दफ्तर से, दस दिन अपने अंदर ही बैठा है, अभ्यास ही करता है। उसके रिश्तेदारों का मारा, उसको ये गुस्सा है, जरा भी बात होती है तो माता को मार देता, अफसरों को गाड़ी निकाल देता, ये क्यों होता है? जब तुम अभ्यास करते हो, जिस किस्म की वासना, जिस किस्म की इच्छा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है, वो फल जाएगी, वो बढ़ी। मैं नाम आम दुनिया क्यों नहीं देता? इसी वजह से नहीं देता कि लोगों की अपनी वासनाएं ठीक नहीं है। इस वजह से सबसे पहले सत्संग कराया जाता है, ताकि आदमी को पता लग जाए कि मैंने वासना कैसी करनी है। ये लोग अगर हम गुरुओं ने भी दे रहे हूं, जो भी आया नाम दिया, नाम दिया, नाम दिया, नाम दिया, नाम दिया, ये नाम बाजे वक्त नुकसान दे जाता है। जो कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वासना है, इच्छाएं हैं, ये पहली स्टेज ऐसी है, इसमें रिद्धि सिद्धि शक्ति आ जाती है। जो तुम्हारी ख्वाहिश होती है वो पूरी होने लग जाती है। तो अगर तुमने नाम लिया हुआ है, तुम्हारे अपने मन की विचार ठीक नहीं है, ख्याल ठीक नहीं है, तो तुमको वो जो नाम है वो खा जाएगा, बगैर फायदे के तुमको नुकसान पहुंचा देगा। इस वास्ते सत्संग की बड़ी महिमा है। हजूर महाराज ने राय साहब की बात पाक ने कोई किताब है उसमें लिखा हुआ है, लोग जिस तरह हकीम के पास डॉक्टर के पास जाके हम दवाई ले आते हैं, दवाई अगर ले आते हैं अनुपान नहीं करते जो उसका परहेज है, तो वो दवाई फायदा नहीं करती, बल्कि बड़े वक्त में नुकसान कर जाती है। ऐसे ही जो नाम लेते हैं उनको अगर सत्संग मिला तो उन्होंने अपने मन के कैसे विचार रखने हैं, उनको नुकसान हो जाता है। इस वजह से मैं नाम नहीं देता दुनिया। सबसे पहले सिमरन ध्यान किया करो, शब्द योग को पीछे से पकड़ो। मैंने सेवा किया, एक शब्द शब्द योग शब्द को सुनता है, अगर उसका सिमरन ध्यान पक्का नहीं है वो बेचैन हो जाएगा। शब्द को भी सुनता है मगर उसकी बेचैनी आ जाएगी। मैंने अब तुमको बोला कि जिस्म की हालत को ठीक करने के लिए सिमरन है, मन के ख्याल को कंट्रोल करने के लिए ध्यान है, आत्मा के लिए प्रकाश है, सुरत के लिए शब्द है। तो जिसकी मकान की जड़ ठीक नहीं है, जड़ फाउंडेशन ठीक नहीं है, वो दीवार तुम कहां ले जाओगे? तुम लोग नाम देते हो, ज्यादातर लोगों के ख्याल को शुद्ध करने की कोशिश करो। तुम समझ गए मेरी बात क्यों कह रही है? सत्संग करा करके जीवों को हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे विचार कर, जब तुम ये तालीम पहले नहीं दोगे वो नाम उनके लिए मेरे ख्याल में फायदा नहीं होगा। मेरे तजर्बे में ये बात आई है। तो आज मैंने आप लोगों को हमेशा अपनी वासना ठीक रखो। बाकी ऐसे कर्म हैं जो पिछले जन्म के गुरुओं को भुगतने पड़े, महापुरुषों को भुगतने पड़े, अवतारों को भुगतने पड़े, हम और तुम किस बात की है? इस वजह से हाय हाय मत करो, कर्म भोग समझ के मौत समझ के खुश रहने की कोशिश किया करो। तो आज मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया, सब खुला है स्वामी, आरती करो। चरण शरण की वंदना नित कोई और ना काम, गुरु बसाचित आए मेरे बख्श दो निज नाम, तेरी शरणागत हुआ जब किसकी राखूं आ,
कैसे ना होगा रूप ना मैं गाऊं शब्द राता मन आठ नाम तेरा ही सुमरन भाग मेरा धन से पर निज कर कमल धर लिया चरण लगा पतते पापी तर गया गुरु शरण तेरिया मुक्ति के नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी ला राधा स्वामी की दया से भाग पूर्ण मुक्ति के नहीं चाह मन में भक्ति प्यारे ला राधा स्वामी की दया से भाग पूर्ण शरण शरण के बन